everyone, I'm your business studies mentor. Welcome you all once again on my platform Easily. और इस प्लेटफॉर्म पे उदय बैच की शुरुआत हो चुकी है, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है. और उदय बैच की आज है पहली क्लास बिजनेस स्टडीज की, यानी मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज मेंटोर जो आपके लिए लेकर आऊंगा क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज की पूरी कंप्लीट डिटेल. तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर, यानी पहला चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक सीखने वाले हैं, आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज है पहला दिन आपके उदय बैच का. और जब सूरज का उदय होता है तो हर तरफ होती है रोशनी, तो आई एम श्योर कि आप इस रोशनी की तरह ही अच्छे से उदय होंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज देखते हैं कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है. तो टॉपिक है पहला आपका इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे कि आपको पता है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज. क्या है ह्यूमन एक्टिविटी, तो शुरू करते हैं. चलिए सबसे पहले समझने की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज थी, तो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है. जैसे कि आपको पता है कि एक सोसाइटी के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, एवरी पर्सन आर एंगेज इन वन एंड अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज. हर इंसान कोई ना कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. और ये एक्टिविटीज क्यों करी जा रही है, ये एक्टिविटीज करी जा रही है सिर्फ दो ही पर्पस के लिए, एक है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए और दूसरा है पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. यानी कोई भी एक्टिविटीज जिसमें इंसान इन्वॉल्व है, जिसमें सारे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि दुनिया में अगर हम आए तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो वो काम जो है वो ही काम आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिवाइड होते हैं. लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है. तो जितने भी पर्सन कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व जो हो रहे हैं, जिस काम में भी वो एंगेज हैं, वही सारी क्या कहलाती हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, सॉरी वही सारी आपकी क्या कहलाती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज मींस व्हेन ए पर्सन आर एंगेज इन वन एंड अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज आइदर फॉर लाइवलीहुड और फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. ऑल सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो ये दो टाइप की हो सकती हैं. पहली हो सकती है इकोनॉमिक पर्पस के लिए, दूसरी हो सकती है नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए. यानी पहली हो सकती है जिससे हम लाइवलीहुड या कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, ये दूसरी हो सकती है जिससे हम सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन हासिल करना चाहते हैं. जैसे कि अगर कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, तो वो कहलाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लाइकवाइज अगर आपकी मदर कुकिंग करती है जो आप रोजाना देखते होंगे, लाइकवाइज आपका कोई आपकी दादी जाती हैं टेंपल या फिर जाती हैं मॉस्क, तो या दादा आपके मॉस्क जाते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी क्यों करी जा रही है, ये सारी एक्टिविटी करी जा रही है आपके पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. तो इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को आइदर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिक पर्पस क्या होता है, अर्न मनी, यानी पैसे कमाना, यानी अपना लाइवलीहुड कंप्लीट करना. वेयर एज अगर मैं बात करूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो वो की जाती हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. तो ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है और ये कितने टाइप की होती है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ऑल दोज एक्टिविटी विच आर डन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और विद द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, यानी वो सारी एक्टिविटीज जिसका पर्पस क्या है, पैसा कमाना या फिर आपके लाइवलीहुड को पूरा करना, वो सारी आपकी एक्टिविटीज आ जाती है अंडर इकोनॉमिक
एक्टिविटीज, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अर्न मनी, यहां का मेन पर्पस जो होता है पैसा कमाना होता है। अब कौन सी एग्जांपल्स होंगी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होंगी, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर आपका कोई भी शॉप चला रहा है, यानी शॉपकीपर जो है शॉप चला रहा है, तो वो सब क्यों कर रहा है सारी एक्टिविटी, उसका पर्पस है पैसा कमाना, लाइवलीहुड अर्न करना, मनी अर्न करना, वही सारी आपकी कहलाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइकवाइज टीचर है, स्कूल में टीच कर रहा है, तो उसका ही पर्पस क्या है, कुछ लाइवलीहुड अर्न करना, पैसा कमाना। डॉक्टर है, पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसका भी पर्पस है कुछ पैसे कलेक्ट करना। लाइकवाइज सीए है, भैया बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, वो भी आपका क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जहां पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो सारी एक्टिविटीज आपकी कहलाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वेयर एज अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड विद द अर्निंग मनी बट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, यानी वो सारी एक्टिविटीज जिनका पर्पस सेटिस्फैक्शन होता है, पैसा कमाना नहीं होता है। यानी अब जैसे आपने देखा होगा, आपकी मदर आपके घर में सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, इसके बाद डिनर भी बनाती है, तो वो क्यों कर रही है, पैसा तो मिल नहीं रहा, पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन होगा, तो वो क्या करता है, प्रेयर करता है, सम टाइम टेम्पल जाता है, सम टाइम हो सकता है मॉस्क भी चला जाए, तो ये सारी एक्टिविटीज क्यों करी जा रही है, ये करी जा रही है कुछ सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए, इंटरनल हैप्पीनेस गेन करने के लिए। तो जब इंटरनल हैप्पीनेस या पर्सनल सेटिस्फैक्शन करने के लिए चीजें की जाती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि आपने चैरिटी कर दी, आपने डोनेशन दे दिया, या फिर आपने किसी पुअर की हेल्प कर दी, ये सारी एक्टिविटीज क्यों करी गई, भैया करी गई अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए, अंदर से हमें खुशी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आप मुझे बताइएगा कि आपने कभी कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, यानी किसी की मदद की है, कभी चैरिटी या डोनेशन दिया है या नहीं दिया है, आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरऑल डिफरेंस की बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम इस वजह से लेकर आए ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल डिफरेंस की, पूरे कंप्लीट डिफरेंस की बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो ऑब्जेक्टिव होगा अर्न लिविंग, यानी लाइवलीहुड अर्न करना, पैसा कमाना, अपनी जिंदगी को चलाना, यानी वो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस। वेयर एज अगर बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस है सेटिस्फैक्शन, इंटरनल हैप्पीनेस, यानी गरीबों की मदद करेंगे तो एक हमारे अंदर से सेटिस्फैक्शन अचीव होगा और अंदर से खुशी मिलेगी, वही आपकी क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसके बाद बात करें मेजरमेंट की, क्या आप इन सबको मेजर कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, तो अगर मैं बात करें मेजरमेंट की बेसिस पे, तो अगर मेजरमेंट की बात करें, तो अगर मैं कहें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आपको सैलरी मिलेगी या आपको वेजेस मिल रही है, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां पे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसे मिल रहा है 1 लाख, तो वो क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी इजिली। इसी तरीके से कोई वर्कर है, उसे मिल रही है वेजेस, वो भी मेजरेबल होगी, पैसे उसे मिलेंगे, वो आप पैसे मेजर कर सकते हैं। लाइकवाइज किसी का बिजनेस है, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बैलेंस शीट से उसकी नेट वर्थ एज वेल एज द प्रॉफिट को आप इजीली मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मेजरमेंट की, तो नॉन इकोनॉमिक
एक्टिविटीज का मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, यानी नॉट मेजर, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको कैलकुलेट, मेजर मतलब है कि आपको इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंटरनल फीलिंग किसको कितनी मिल रही है किसी काम करके, वो भैया कैसे ही मेजर होगा, कैसे ही मेजर होगा। किसी की मैंने मदद करी उसमें कितनी हैप्पीनेस मेरे अंदर आई, कितनी खुशी मुझे मिली, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसका मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ रेगुलर इन नेचर। ये क्या होती हैं? रेगुलर इन नेचर होती हैं, बिकॉज क्योंकि कोई भी अगर वेजेस या सैलरी जिसको मिल रही है, यानी कोई जॉब कर रहा है, तो वो जॉब रेगुलर करता है, लाइफ टाइम तक करता है, तो उसकी सैलरी, उसकी वेजेस क्या हो जाएगी? रेगुलर हो जाएगी। बिजनेस भी अगर आप ओपन करते हैं तो पर्पस होता है लॉन्ग टर्म उसको रन करना, और लॉन्ग टर्म जब हम रन करेंगे तो हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो अगर मान के चलते हैं प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो ऑब्वियसली वो भी हमारी रेगुलर इनकम के तौर पे कंसीडर करी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप सातों दिन नहीं करते हैं, क्योंकि मेन आपकी एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरली हम करते हैं जब हम लेजर टाइम में होते हैं या स्पेयर टाइम में, खाली वक्त में हमारा दिल करा कि चलो भैया आज थोड़ी सी गरीबों की मदद कर दी जाए, या फिर आज चलते हैं टेंपल पूरी फैमिली के साथ एक इंटरनल फीलिंग हासिल करने के लिए, तो आप चले गए लेजर टाइम में या अपने स्पेयर टाइम में, तो वो कहलाएगा उसका ड्यूरेशन की बेसिस पे। तो ड्यूरेशन इसका जनरली स्पेयर टाइम, जो खाली टाइम होता है, या आप अपने फ्री टाइम में ये करना पसंद करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट की बेसिस पे, तो रिजल्ट की बेसिस पे आपको क्या मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? वो मिलता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, जिसमें हम पढ़ेंगे अभी आने वाली क्लास में। पहली होती है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, और थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस की बेसिस पे, तो बिजनेस में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या होगा? वो होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिजल्ट की, तो ये रिजल्ट देती है आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन। यानी जब भी आप कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो एक दिमागी सुकून मिलता है, एक हमारी जो चिंता होती है ना, वो चिंता कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, बहुत इंटरनल हमें सुकून मिलता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें टाइप्स की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी ये तीन टाइप की होती हैं जो अभी आप आगे पढ़ेंगे। और जबकि हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो ये कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हम सामाजिक तौर पे करते हैं, या फिर हमारे देश इंडिया के बारे में हमारी एक पेट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति वाली फीलिंग, वो भी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो दीज आर ऑफ टाइप की बेसिस पे इकोनॉमिक, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वेयर एज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई सोशल एंड पेट्रियोटिक। ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्लियर इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज। आई एम श्योर कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कौन कौन सी टाइप की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं या कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो दीज आर ऑफ, ये तीन टाइप की होती है सिंपली, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे अपनी स्कूलिंग के बाद, तो या तो आप एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, या फिर आप प्रोफेशनल्स बनेंगे, या फिर आप कोई भी बिजनेस भी खोल सकते हैं। तो यानी इन तीनों ही कैटेगरी में हम फॉल करते हैं जब भी हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम परचेज कर रहे हैं, यहां मैं लिख देता हूं, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हूं,
जिसके अंदर हम परचेज एंड सेल करते हैं, परचेज एंड सेल, या जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हैं, वो सारी ही एक्टिविटीज, यानी जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन होता है, परचेज सेल होता है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, वो कहलाता है आपका बिजनेस। अब ये सारी एक्टिविटी जो होना चाहिए, यानी प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इनका जो पर्पस होना चाहिए, इनका पर्पस होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को अर्न करना। यानी अगर आपका पर्पस टू अर्न प्रॉफिट नहीं है और ये आप सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिजनेस का कोर ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्निंग के साथ अगर आप ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, मींस प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका कहलाएगा क्या? बिजनेस कहलाएगा। और बिजनेस तो आपने देखे ही होंगे, इंडिया इज वन ऑफ द डेवलप टूवर्ड्स द डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज, यानी हमारा देश क्या हो रहा है आज के टाइम में, बहुत सारे बिजनेसमैन हमारे देश में बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो डैट ताकि आप बिजनेस एक्टिविटी आप इस वजह से भी करते हैं ताकि आप इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस डायरेक्टली। तो बिजनेस क्या होता है, इसके अंदर आप कितनी भी पैसे कमा सकते हैं, यानी जो यहाँ पे लिमिट है प्रॉफिट की, वो कुछ भी नहीं है। जितना आपका, जितना ही आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। तो यानी बिजनेस तो आई एम श्योर आके आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन क्या है, अगेन ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट आ गया, तो प्रोफेशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर ए पर्सन यूज हिज स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल एंड चार्ज फीस, यानी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर एक पर्सन अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन का यूज करके, यानी पर्सनलाइज एप्लीकेशन जो उसने सीखी है वाइल परस्यूइंग द प्रोफेशनल कोर्स, यानी प्रोफेशनल कोर्स जो किया है उसने, प्रोफेशनल जो डिग्री ली है, उसको करते समय, उसको करते समय उसने जो नॉलेज एक्वायर करी, उस नॉलेज का यूज करके वो क्या कर रहा है, फीस चार्ज कर रहा है और सर्विस दे रहा है, वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, प्रोफेशन कहलाएगी। यानी प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई वेयर ए पर्सन यूजेस हिज स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज By providing services, services provide कर रहा है and earn some fees, और उसके बदले में fees charge कर रहा है, fees earn कर रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, profession। और अगर मैं profession की बात करूं, तो सबसे पहला profession आ जाता है आपका doctors का। आपने देखा होगा doctors क्या कहते हैं, करते हैं अपनी personalized skill का use करके, जो उन्होंने professional knowledge acquire की है degree करते समय, उस knowledge का use करके वो क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, यानी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, और इन पेशेंट के ट्रीटमेंट के बदले में वो क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं इसके बदले में फीस। सही है, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, फीस क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पार्ट हो गई, क्योंकि यहां पे भी आ गया अगेन क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, पैसा आ गया, ठीक है। और पैसा जब भी आ जाएगा तो वो आपका पार्ट बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। दूसरी अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करें प्रोफेशन की, तो वो हो जाएगा आपका चार्टेड अकाउंटेंट। यानी चार्टेड अकाउंटेंट क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, ये कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑडिट करते हैं या उसको मेंटेन करते हैं, तो वो सारी उसके लिए भी फीस चार्ज करते हैं। इसी तरीके से आपका लॉयर्स जो आपके लिए केस लड़ते हैं कोर्ट में, और उसके बदले में अगेन वो फीस चार्ज करते हैं, तो वो भी एग्जांपल हो गई प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन ओवरऑल एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर हम अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन का यूज करके सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहां मैं दोनों बंदों का नाम लिख देता हूं, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर,
इंप्लॉयज एंड एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वेयर इंप्लॉयज रेंडर हिज सर्विसेज एंड इन रिटर्न ही गेट वेजेस एंड सैलरी. यानी इंप्लॉयज एम्प्लॉयर के लिए क्या करता है, सर्विसेज देता है, सर्विसेज रेंडर करता है और इस सर्विसेज के बदले में उसको मिलती है वेजेस एंड सैलरी. वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी उसको मिल जाती है. तो इस टाइप का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में तो उसको बोलते हैं हम क्या, एम्प्लॉयमेंट. और अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपके घर में किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके फादर आपके रिलेटिव्स जुड़े हुए हैं. यानी या तो वो बिजनेस में होंगे या प्रोफेशन में होंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट में होंगे. तो आई एम श्योर ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. यानी अब हम इन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को एक बार वेरी डीप बहुत अच्छे से समझेंगे. यानी अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. यानी ओवरऑल डिफरेंस क्या है, सो डैट आपका जो दिमाग है उसमें इन तीनों के बारे में अच्छे से कनेक्शन बैठ सके और अच्छे से आप इन तीनों में बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस को समझ सकें. तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस of business profession and employment on the basis of these categories. yani तीन गेस्ट कैटेगरीज आपको दे रखी हैं. इन कैटेगरी की बेसिस पे हमें देखना है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कमेंसमेंट की, यानी कमेंसमेंट क्या होता है, कब स्टार्ट हो सकता है, यानी बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं और कब हम एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें बिजनेस की, सो बिजनेस कैन बी कमेंस और कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम After the entrepreneur decision. यानी जो entrepreneur है, जो business start कर रहा है, यानी जो उसका owner है, जो उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा, डिसीजन ऑफ ओनर कह सकता हूं मैं या एंटरप्रेन्योर कह सकता हूं. तो डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर और द ओनर ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी वो अपना डिसीजन ले लेगा बिजनेस आपका चलने लग जाएगा, यानी बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. यानी आपने कोई आइडिया सोचा और आपने डिसाइड कर लिया ये बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ और आपने उसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज अरेंज किए, उनको ऑर्गेनाइज किया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. यानी ऑल डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर और द ओनर ऑफ द बिजनेस. इसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्टार्टेड इमीडिएटली. यानी ये इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो सकता, ये स्टार्ट होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री. यानी कंप्लीशन ऑफ डिग्री, या मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, डिग्री, कंप्लीशन ऑफ डिग्री. यानी अगर आपको कोई प्रोफेशनल्स बनना है, आपको बनना है सीए चार्टेड अकाउंटेंट, तो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए होगी. क्या चाहिए होगी, चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री. और डिग्री जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, आप सीए की प्रैक्टिस या अपनी फर्म नहीं डाल सकते या उसका बिजनेस नहीं कर सकते. सो इसके लिए कंप्लीशन ऑफ द डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक वो कंप्लीट नहीं होता आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते. और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल्स भी हैं. अगर मैं बात करूं मुझे करनी है क्लिनिक स्टार्ट करनी है अपनी लोकेलिटी में, तो उसके लिए चाहिए होगी मेरे पास डिग्री और डिग्री चाहिए होगी एमबीबीएस की. तो जब तक आप एमबीबीएस की डिग्री अक्वायर नहीं कर लेते, कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आप डॉक्टर नहीं बनेंगे और जब तक आप उस प्रोफेशन में एंटर भी नहीं कर सकते. इसी के बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कमेंसमेंट. तो कमेंसमेंट कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट में कमेंसमेंट होता है आपका जब कॉन्ट्रैक्ट
सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एम्प्लॉयर के साथ। सो जैसे ही उसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो ज्वाइनिंग डेट होगी, यानी आपको जॉब मिल गई, आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन गया एम्प्लॉयर के साथ, और उसमें लिखी थी भैया ज्वाइनिंग डेट है 1st of next month, तो नेक्स्ट मंथ की 1st तारीख से आप ज्वाइनिंग शुरू कर देंगे और उसी के साथ आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां लिख देता हूं आपके लिए ज्वाइनिंग डेट, यानी ज्वाइनिंग डेट के साथ ही आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, सो ऑल्दो आज के टाइम में हर, चाहे कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हर किसी के लिए आपको जरूरत होती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो बिजनेस में देयर इज नो सच क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग से इतने तेज होते हैं कि उन्हें भैया सिर्फ थोड़ा बहुत हिसाब आता है और वो बिजनेस चला ले जाते हैं। तो देयर इज नो एज सच क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नो क्वालिफिकेशन लिख देता हूं यहां पे, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। यानी वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि जब तक आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे, आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप फ्यूल के प्रिंसिपल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो बिजनेस के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें, जनरल टर्म में बात करें, तो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी तो आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। यानी सपोज मुझे बनना है क्या कंपनी के लिए, मुझे अकाउंट ऑडिट करने हैं, मुझे ऑडिटर बनना है, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है सीए की, तो मैं उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर पाऊंगा। इसी तरीके से मुझे ड्रीम तो है डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरे पास MBBS की डिग्री ही नहीं है, तो मैं उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। सो क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहां लिख देता हूं यस क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ रिलेटेड प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको CA बनना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए होगी, लाइकवाइज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS की क्वालिफिकेशन चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको बनना है वकील तो आपको चाहिए होगी लॉयर की डिग्री, यानी BA LLB। इसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिपेंड होती है डिपेंड ऑन जॉब, यानी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट जैसी है वैसी ही क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अगर आपकी जॉब आपको मिल रही है थोड़ी लो ग्रेड, तो आपको हो सकता है वहाँ 12th पास या ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट हो। लाइकवाइज अगर आपको थोड़ी हाई लेवल जॉब मिल रही है, तो हो सकता है वहाँ पे आपसे MBA की डिग्री या मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट हो। तो डिपेंड ऑन दी जॉब, जॉब पे डिपेंड करेगी क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, यानी कितना कितना पैसा चाहिए बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होता है बिजनेस में, बट ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो लार्ज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और अगर आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं तो स्मॉल कैपिटल इज इन्वेस्ट रिक्वायर्ड, वेयरएज अगर आप बहुत ही टिनी माइक्रो बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ही अमाउंट या कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यानी इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। लार्ज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, वेयरएज अगर आप स्मॉल या मीडियम टाइप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वहां लिटिल बिट कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, और अगर आप बहुत ही माइक्रो बिजनेस में जा रहे हैं तो वहां पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की वो और कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है बट रिलेटिवली लेस देन द बिजनेस, बिजनेस से कम, यानी लेस देन बिजनेस, बिजनेस से कम चाहिए। यहां पे लेस देन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, यस
और यहाँ पे पेन फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो लेस देन बिजनेस, बिजनेस से कम चाहिए होगा, यानी जो भी आपका बिजनेस का अमाउंट होता है, क्योंकि बिजनेस में आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन प्रोफेशन में आपको एक क्लिनिक खोलना है या फिर आपको खोलनी है एक अपनी फर्म्स चार्टेड अकाउंटेंट की, तो वहाँ पे आप बिजनेस अगर लार्ज स्केल खोल रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्लांट मशीनरी पूरा प्रोडक्शन का सेटअप डालना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, वेयर इज इन केस ऑफ प्रोफेशन लिटिल बिट लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू द बिजनेस। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो भैया एम्प्लॉयमेंट में तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो यहां पे लिख देते हैं नो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम किसी के अंडर में जॉब करते हैं, यानी एम्प्लॉयर हमारे जो है उसके अंडर में हम जॉब करते हैं, तो हमें अपना कुछ भी नहीं लगाना, और अपना कुछ भी नहीं लगाना तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक ही हो गया कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें रिस्क, तो रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो रिस्क ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा, हाई होगा किस में, बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ रिस्क, बहुत सारे रिस्क से एसोसिएट होता है, क्योंकि आप जब मार्केट में काम करते हैं तो आपको बहुत सारे रिस्क को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है, और वो रिस्क कौन से हो सकते हैं, वो रिस्क हो सकते हैं आपके नेचुरल रिस्क, नेचुरल जैसे कैलमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया और आपकी बिल्डिंग गिर गई, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, रिस्क है उसका भी। इसी तरीके से इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या फिर सोशल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक रिस्क। इसके अलावा ह्यूमन रिस्क, ह्यूमन रिस्क इन द केस लाइक आपका जो एम्प्लॉयज था थोड़ा निग्लिजेंट था और उसने क्या करा, लाइट ऑफ करना भूल गया, और लाइट ऑफ ना करने की वजह से क्या हो गया, आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई पूरी फैक्ट्री में, तो वो भी आपकी क्या कर देगी, पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देगी। तो हाईएस्ट रिस्क किस में हो गया, आपका बिजनेस के अंदर। वेरेज अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपका लेस रिस्क होता है एज कंपेयर टू बिजनेस, लेस रिस्क, ठीक है, बिजनेस के कंपेयर में देखें तो बिजनेस से कम होता है, क्योंकि यहाँ वो वाला तो रिस्क है ही, जैसे कि आपकी मैंने एग्जांपल दी, प्रोफेशन में भी हो सकता है, आपके आपकी सीए फर्म है तो वहाँ पे भी आग लग सकती है, वो रिस्क तो सेम है। बट अगर हम बात करें अदर टाइप ऑफ रिस्क की, जैसे कि मैं बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसका इतना इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशन पर नहीं पड़ता है। लाइकवाइज आपके दूसरे एसोसिएटेड रिस्क हैं तो वो हमारे प्रोफेशन को इतना असर नहीं डालते हैं, तो लेस देन दी बिजनेस। इसके बाद हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में भैया नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी सैलरी ले रहे हैं, अपने घर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी भी टाइप का कोई रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको अपनी फिक्स सैलरी से मतलब है। सारा रिस्क किसका बियर करेगा, आपका एम्प्लॉयर करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को एक एम्प्लॉयज की नज़र से, तो एम्प्लॉयज की नज़र से कोई भी रिस्क नहीं है व्हेन यू आर वर्किंग इन द एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की, तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले तो हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं, यानी हम क्या बिजनेस को, प्रोफेशन को या एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को, यानी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस ओनरशिप को क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ बिजनेस की, तो यहां पे होगा यस, आंसर होगा यस, क्योंकि बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेरियस फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करके आप अपने बिजनेस को किसी के दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज मिस्टर एक्स का बिजनेस है और मिस्टर एक्स हो चुके हैं अब 70 साल के, और इन्हें लगता है कि भैया अब आ गया है जाने का वक्त, तो ये चाहते हैं कि ये अपने सन जो मिस्टर वाई नाम ले लेते हैं, इनको ये ट्रांसफर करना चाहते हैं, मींस ओनर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, चलो वैसे तो एक ये भी केस है कि अगर फादर का बिजनेस तो सन तक तो वैसे ही ऑटोमेटिकली भी पहुंच जाएगा, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं बस यहां पे, तो ये सन को क्या कर देंगे, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेरियस फॉर्मेलिटीज। तो इस तरीके से क्या होगा, बिजनेस इनका ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए इस यहां से अब हम इसको क्लीन कर देते हैं,
और अगर सन नहीं था कोई दूसरा पर्सन था तो उसको भी वो इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो क्या प्रोफेशन ट्रांसफरेबल है या नहीं है, तो आंसर विल बी नो। अब प्रोफेशन में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरे अंदर जो स्किल्स हैं, मेरे अंदर जो नॉलेज है, वो मैं किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और इवन जो मेरे कस्टमर होंगे वो सिर्फ मुझ पे ही फेथ करेंगे, किसी दूसरे पर्सन पे नहीं करेंगे। तो यानी इसलिए प्रोफेशन का ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, प्रोफेशनल्स ही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में जॉब कर रहा है कोई एक्स बंदा और ये चाहता है कि भैया इस जॉब के बदले में वो अपने भाई भाई को लगवा दे या किसी थर्ड पार्टी को लगवा दे, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयर का हुआ है वो हुआ है मिस्टर एक्स से, नॉट वो किसी दूसरे के पर्सन के नाम पे अपनी जॉब को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो नो ट्रांसफरेबिलिटी इज पॉसिबल मीन्स यहाँ पे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। चलिए यहाँ पे नो लिख दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अदर बेसिस पे, तो अदर बेसिस है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस का, वो होगा अनप्रॉफिट। जस्ट वेट, अनप्रॉफिट यानी प्रॉफिट अर्न करना इज दी कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना आफ्टर हैविंग प्रोडक्शन परचेज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। यानी ये सारी एक्टिविटी क्यों की जाती है, ताकि हम प्रॉफिट को अर्न कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। प्रोफेशन का क्या पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन इज सर्विसेज। क्या होता है, सर्विसेज, बट इस सर्विसेज के साथ हमें कुछ प्रॉफिट भी करना है, सर्विसेज विद प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट के साथ साथ हमें क्या करना है, सर्विसेज देना है। यानी प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, इसी तरीके से क्या है, आपके लॉयर्स आपके लिए केस लड़ रहे हैं, तो वो सर्विसेज तो आपको दे रहे हैं लेकिन साथ साथ वो क्या करेंगे, प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, मींस आपसे क्या करेंगे, फीस भी चार्ज करेंगे, वही उनका प्रॉफिट होगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट सैलरी एंड वेजेस, यानी अपनी सैलरी और वेजेस लेना, ठीक है। अगर हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट एंड रॉन्ग, तो किसमें ज़रूरी हैं, तो अगर हम बात करें किसी बंदे ने बिजनेस में एंगेज है या बिजनेस स्टार्ट किया है, तो नो सच कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, यानी यहाँ पे आप कोई एज सच आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा कि आप ये चीज़ें फॉलो करिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट वैसे तो बिजनेस के होते हैं, बट अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको आप फॉलो करें, यानी नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ रिक्वायर्ड। वेरी अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो अगर कोई प्रोफेशनल्स है मीन्स डॉक्टर है, CA लॉयर है, तो उसकी जो प्रोफेशनल बॉडी होती है वो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है, यानी यस कोड ऑफ कंडक्ट इज रिक्वायर्ड। यानी यहां पे आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में एज सच देर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, बट सर्विस एग्रीमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, विच आर अंडर दिस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए होंगे। इसके बाद हम बात करें नेचर ऑफ वर्क पे, और जस्ट वेट ए मिनट,
यस आई एम बैक। तो नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो किस टाइप का काम इन्वॉल्व होगा बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भैया हो सकता है आपका प्रोडक्शन, आपका परचेज एंड सेल यानी ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं परचेज एंड सेल। इसके अलावा हो सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो दीज एक्टिविटीज आर कैरीड आउट अंडर बिजनेस। बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप परचेज सेल कर सकते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर सकते हैं, यानी होल सेलर हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिटेलर को अपने गुड्स। इसी तरीके से अगर आप फैक्ट्री खोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक से परचेस करेंगे और दूसरी की जगह आप सेल कर देंगे। अगर हम बात करें किसकी प्रोफेशन की तो प्रोफेशन के अंदर आप क्या करेंगे अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज इन द सेंस कि अगर आप सीए हैं तो आप क्या करेंगे अपनी किसी भी कंपनी के लिए ऑडिट का काम कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आप लॉयर हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपनी लॉयर्स की सर्विसेज दे सकते हैं किसी भी केस में किसी भी क्लाइंट को किसी भी कस्टमर्स को। इसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देर इज़ नो एक्टिविटीज, जस्ट आप क्या कर रहे हैं किसी के अंडर में काम करते हैं वर्क करते हैं एंड गेट सैलरी, यानी काम करते हैं और आपको सैलरी मिलती है। जस्ट टेक ए पॉज और मैं जस्ट एक मिनट में पानी पीता हूं। यस आई एम बैक नाउ। और लास्ट हमारा पॉइंट है वो है रिवॉर्ड, यानी क्या रिवॉर्ड मिलता है, यानी किस टाइप से बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्डेड होते हैं। तो अगर हम बात करें बिजनेस की तो बिजनेस में हम क्या करते हैं सारे रिस्क को क्या करते हैं बियर करते हैं, और जब हम रिस्क को बियर करेंगे तो उसका रिवॉर्ड मिलता है हमें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको मिलता है प्रॉफिट उसके बदले में, यानी प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। यानी जितने भी आप रिस्क बियर करते हैं उसके बदले में आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट। वेयर इज प्रोफेशन में हम क्या करते हैं सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में जो हमें रिवार्ड मिलता है वो होता है हमारी फीस, यानी डॉक्टर अपनी फीस चार्ज करता है। इसी तरीके से सी है तो वो अपनी फीस चार्ज करता है, लॉयर है तो वो अपनी फीस चार्ज करता है। इसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो एम्प्लॉयमेंट में हम अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, अपना टाइम देते हैं तो उसके बदले में हमें क्या रिवार्ड मिलता है, उसके बदले में हमें मिलता है सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस इज द रिवार्ड फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स को आपने जो सर्विस दी उसके बदले में। तो आई एम श्योर कि आज की क्लास में आपको बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर कट हो गया होगा, और आप को समझ में आ गया होगा क्यों ईजली वे में आपको हमने यहां ईजली के प्लेटफॉर्म पे समझाया है। तो आई एम श्योर आज की क्लास के बाद आपकी सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।